नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं AFCET 1/2024 नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाइएगा, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCET 1/2024। यहाँ से आप ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसीज देख सकते हैं। ब्रांच का नाम यहाँ पे फ्लाइंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज जो है मेन और वीमेन का यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो मेन के लिए 28 है, वीमेन के लिए 10 रखा गया है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, मेन वीमेन दोनों को डिवाइड किया हुआ है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए है तो टोटल जो यहाँ वैकेंसीज हैं वो 300+ रखा गया है। एज यहाँ बताया गया, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो मिनिमम है वो 20 इयर्स रखा गया है, मैक्सिमम 24 रखा गया है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए यहाँ मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 26 रखा गया है। आपको जो यहाँ पेमेंट मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए 56,100 से लेके 1,77,500 तक मिलेगा। लेवल 10 का आपका पेमेंट है। यहाँ पे आपका फॉर्म का दाम बताया गया, तो ये फॉर्म जब आप भरेंगे तो ये आपका 550 रुपये लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरीली पास्ड विद इन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ मैथ और फिजिक्स दोनों में आपको पास किया हुआ होना चाहिए और +2 आपको पास किया हुआ होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए। बीए बीटेक डिग्री पास किया हुआ है तो 60% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए करते हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 50% मार्क्स के साथ आपको फिजिक्स के साथ और मैथ आपको पास किया हुआ होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में, और 10+2 आपको पास किया हुआ होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50% मार्क्स के साथ मैथ और फिजिक्स दोनों में अलग अलग से पास किया हुआ होना चाहिए, 10+2 आपको पास किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन भी पास किए हुए मिनिमम 3 ईयर 60% मार्क्स के साथ तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 उसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन डिग्री पास किया हुआ होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अकाउंट ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 पास मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। एजुकेशन के लिए यहाँ पे 10+2 मांगा गया, उसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 आपको पास किया हुआ होना चाहिए, उसके साथ ही BSc किया हुआ होना चाहिए, और BSc में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपको दोनों में 60% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 घंटा का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। हर एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स कटेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल रहेंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये फॉर्म जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 30 दिसंबर तक रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस इन्फॉर्मेशन मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।